और इस पर हम आदरणीय राहुल गांधी जी से भी सवाल पूछते हैं कि आखिर आपने अपने पार्टी को संस्कारी पार्टी कहा था दो दिन पहले, आप इसका उत्तर दीजिए, क्या इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार भारत को तोड़ना चाहते हैं वो संस्कारी हो सकते हैं क्या? स्वाभाविक है उत्तर इसका आप सब जानते हैं कि कभी भी नहीं हो सकते हैं। अंत में एक छोटा किंतु बहुत महत्वपूर्ण विषय, आज सुबह से ही कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो मीडिया के माध्यम से दिख रहा है। ईवीएम मशीन पर सुबह से ही हल्ला बोल रखा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि ईवीएम की मशीन में खराबी है, ईवीएम की मशीन गड़बड़ा गई है। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं नहीं दूंगा, स्वाभाविक है ये इलेक्शन कमीशन देती है, मगर चुनाव अभी हुए भी नहीं है, प्रथम चरण का मतदान चल रहा है। सुबह सुबह ईवीएम के ऊपर हमला करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने बौखलाहट को और अपने हार को प्रदर्शित कर दिया है। दे आर ट्राइंग टू सर्च फॉर एन एक्सक्यूज इवन बिफोर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन इज आउट। हार कांग्रेस के चेहरे पर लिखा हुआ है। पुनः उत्तर प्रदेश की तरह और बाकी राज्यों की तरह सुबह से ही ईवीएम के पीछे जो छुपने का प्रयास कांग्रेस का है, यह कांग्रेस के हार को दर्शाती है। गुजरात की जनता कभी भी एनार्की के साथ, सोशल डिसहार्मोनी के साथ खड़ी नहीं है, वो हमेशा विकास के साथ खड़ी है और विकास जीत रहा है, यह गुजरात के लिए एक बहुत अच्छा खबर है। मगर राहुल गांधी जी से इन दोनों सवालों पर कि पीएफआई के ऑफशूट एसडीपीआई से मेवानी साहब, एक ट्वीट में मैंने एक ट्वीट छोड़ दिया था सलमान निजामी का, और मुझे बताया गया है कि ये जरूर बताना चाहिए। मैं उनका ट्वीट कोट करता हूं। भाई सलमान निजामी ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी के पिताजी और दादी जी ने देश के लिए बलिदान दिया, राहुल गांधी जी के पिताजी और दादी जी ने देश के लिए बलिदान दिया और उनके पर नाना मतलब नेहरू जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, और ये मुझसे पूछते हैं कि मोदी तेरा बाप कौन है, तेरा दादा कौन है? अर्थात सलमान निजामी ने राहुल गांधी जी के परिवार, क्योंकि वो खुद वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, ये तो महान लोग हैं, इन्होंने बलिदान दिया, ये महान लोग हैं, मगर मोदी जी आपके बाप और आपके दादा कौन हैं? ये बहुत दुखद विषय है। आज गुजरात की जनता वोट कर रही है, गुजरात के बेटे के ऊपर लगातार इस प्रकार का आक्षेप। पहले आपने कहा तू जाके चाय बेच, फिर आपने उनके जाति के ऊपर जिस प्रकार से नीच कहकर हमला किया, और आज उनके पिता और उनके दादाजी तक को छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके परिवार को घसीट के चुनाव में ला रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने पार्टी को संस्कारी कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से इन प्रश्नों का जवाब कि मोदी जी के पिता, मोदी जी के दादा को यहाँ खींच के लाना, सलमान निजामी जैसा व्यक्ति जो भारत को तोड़ना चाहता है उसको मध्य में रख के उससे कैंपेनिंग कराना, और यह पूरी मीडिया भी पूछ रही है। और तीसरी और बड़ी बात है, मेवानी जी को इस प्रकार से चेक देना, वित्तीय सहायता देना, वह भी उस पार्टी द्वारा, उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम आतंकवादी गतिविधियों में खुद एनआईए ने लिया है, भाजपा ने नहीं लिया है, इन सब प्रश्नों का उत्तर राहुल गांधी जी जरूर दें, बिकॉज गुजरात लव्स पीस, गुजरात डज नॉट लाइक पोलराइजेशन।